हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं आप सभी का चंदा नीटिंग चैनल में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा डिजाइन लेके आई हूँ आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए जेंट्स बच्चों के स्वेटर में लेडीज़ कार्डिगन में सॉल में हर प्रोजेक्ट में बनके बहुत ही अच्छा लगता है बहुत सुंदर डिजाइन है इस डिजाइन को बनाने के लिए आप चौदह चौदह के मल्टीपल में फंदे ले सकते हैं प्लस तीन फंदे एक्स्ट्रा तो आपका डिजाइन सही आएगा ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है बनाने में एकदम ईजी है ये बारह सिलाई का हमारा डिजाइन है और बहुत ही ईजी डिजाइन है विगनर भी आराम से बना सकते हैं लगता है बहुत सुंदर है अब मैं बना के दिखाती हूँ इसमें मैंने टोटल थर्टी वन फंदे ले रखे हैं मैं एक थोड़ा सा सिंपल बना के दिखा रही हूँ आपको पहला फंदा हम उतार लेते हैं और फिर एक दो तीन चार ये पाँच पाँच फंदे ये मैंने सीधे छः पाँच फंदे हो गए छः फंदे टोटल मेरे सीधे आए दो तीन चार पाँच छः छः फंदे सीधे हो गए अब धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक और ये दो दो तीन चार और ये पाँच पाँच फंदे हम उल्टे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच फिर धागा पीछे फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ नौ फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए यहाँ से गिनेंगे हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ फिर से सेम रिपीट पांच फंदे उल्टे बनाने दो तीन चार और ये पाँच अगर आपके यहाँ पे अगर डिजाइन आप किसी कार्डिगन में डालें तो फिर से आप नौ फंदे सीधे बनाएंगे तो मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया तो फिर मैं यहाँ पे छह फंदे फिर से सीधे बनाऊंगी क्योंकि मेरा आधा आधा डिजाइन आएगा दोनों साइड और बीच में नौ फंदों का हमारा बीच में नौ फंदे अगर आपके पूरे कार्डिगन में डालें तो फिर से आप नौ फंदे नौ फंदे और फिर पाँच नौ पाँच नौ पाँच करके इसी तरह बनाएंगे साइड में आप छः छः फंदे सीधे रखेंगे ये इसी तरह आपका बनेगा ये अब पूरे में बना रही तो नौ पाँच नौ पाँच इस तरह आप पूरे उसमें कार्डिगन में बनाइए और आपका डिजाइन सही आएगा अब इसकी ये दूसरी सिलाई है बैक साइड से पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी तरफ एक और ये दो दो फंदे सीधे तीन और ये चार छह फंदे हमने उल्टे बुनने यहाँ पे छः फंदे उल्टे बुन लिए और ये पांच फंदे सीधे जो हमने वहाँ से उल्टे बुने थे वो बैग से सीधे बुनने हैं जो बैग वहाँ से सीधे बुने थे वो बैग से उल्टे बुनने हैं तो छः ये पांच फंदे सीधे बुनेंगे फिर ये नौ फंदे उल्टे आएंगे मेरे यहाँ पे बस यही करना है इसमें जो फंदे वहाँ से उल्टे हैं यहाँ से सीधे वो जो सीधे हैं वो उल्टे बनाने हमने बैग सिलाई में यही करना है हमको ये नौ हो गए अब फिर से हम पाँच फंदे जो ये उल्टे हैं इनको सीधे बनाएंगे बैग से और ये सीधे बना के फिर इसी तरह जो उल्टे हैं वो सीधे और इस तरह मैंने पूरी सिलाई बना ली है अब ये तीसरी सिलाई है तो तीसरी सिलाई में ये देखिए फिर से हमको सेम ही रिपीट करना है जैसे हमने पहले किया था उसी तरह ये छः फंदे हम सीधे बनाएंगे शुरू में और ये पांच फंदे उल्टे जो जैसे दिख रहा है हमको सेम उसी तरह बनाना है इसमें कुछ भी चेंज नहीं है जो फंदा जैसा जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा इसी तरह बैक से भी जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है चार सिलाई हमने ऐसी बनानी है दो उल्टी दो सीधी जो जैसा दिख रहा है उसे दो हमने बना ली दो और बनानी है एक उल्टी एक सीधी इसी तरह देखिए बैक से भी इस तरह फ्रंट से भी इस तरह अब मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ ये पाँचवीं सिलाई है हमारी अभी जो जैसे दिखाया उसी तरफ बनाते हुए पाँचवीं सिलाई है आप इससे धाड़ी भी गिन सकते हैं इसमें चार धाड़ी आगे होंगी तो चार सिलाई हमारी हो जाती हैं उल्टी उल्टी तो अब मैं यहाँ से आपको दिया, फिर पाँचवीं सिलाई से बताऊँगी हम कैसे करेंगे ये सिलाई आपको ध्यान से देखनी है ये तीन फंदे एक फंदा उतारा तीन फंदे मैंने यहाँ पर छः फंदे थे हमारे तो यहाँ पे लास्ट में हम दो का एक करेंगे दो का ये कर दिया अब हम यहाँ से दो फंदे उल्टे बनाएंगे और ये पांच फंदे हमारे उल्टे थे बीच में तो दो इस साइड जो एक फंदा बीच का है उसमें हम जाली डालेंगे ये फंदा सीधा बुना और जाली डाली धागे अपनी तरफ इसको लपेटते हुए ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे उल्टे के साथ हमें जाली भी डालनी है तो यहाँ पर बीच में हमारे तीन फंदे सीधे आ जाएंगे एक बीच का दो जाली अभी इसको फंदे को यहाँ से इस तरफ पलटना है और यहाँ पे जो हमने जाली से बढ़ा रखा है वो यहाँ पे घटाना है हमको एक फंदे उस साइड घटाया तो इस साइड बढ़ गया तो बीच में हमने दो फंदे बढ़ाए फिर इस ये बीच के फंदे हम सीधे बुन लेंगे पांच फंदे हमारे बीच में सीधे आ जाएंगे और ये लास्ट में आ गए हैं तो इसको हम जैसे इस साइड किया सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ फिर से दो फंदे उल्टे और ये बीच वाला फंदे में जाली डालनी है धागा अपनी तरफ ही रहेगा और सीधा बुन लेंगे इस फंदे को तो जाली बढ़ जाएगी फिर ये जाली लपेटते तो हुए एक जाली डालेंगे दो फंदे सीधे यहाँ पे जाली आ गई तीन फंदे और सीधे आए गए अब यहाँ पे ये फंदे सीधा कर देंगे और दो का एक करेंगे दो तीन और ये चार यहाँ पे मैंने दो का एक कर दिया अब बैग सिलाई में हमको जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है जो जाली से बढ़ाए मैंने फंदे वो उल्टे बनाने हैं देखिए यह मैंने ये फंदे सारे उल्टे ही बनाए और ये जो दो फंदे हमने उल्टे रखे हैं उनको सीधा बनाएंगे और जो जाली से बढ़ाए वो फंदे उल्टे आएंगे तीन फंदे हमारे उल्टे आए फिर ये दो फंदे सीधे बीच में तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीधे और ये फिर बाकी उल्टे उल्टे ही आएंगे पूरी फिर ये देखिए फिर से आ गए हम सीधी सिलाई सी में ये देखिए फिर से ये तीन फंदे हमारे हैं है और ये फंदे का दो का एक कर देंगे सामने से फिर ये देखिए एक ये दो फंदे उल्टे ये जो है जो जाली से पड़ा हुआ फंदा है इसको हमने सीधे ही बनाने हैं जाली से बड़े हुए फंदे ये फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ और ये जाली डाल देंगे धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पे जाली बनानी है हमेशा जाली यहीं पे पड़ेगी हमारी दोनों साइड जाली से फंदे पड़ेंगे और फिर ये लास्ट में दो फंदे उल्टे फिर से हमने ये फंदा पलटना है सीधा करना है जो जाली से बढ़ा रहे हैं हम वो फंदों को हमको इधर से घटाने हैं तो एक फंदा सीधा ये दो फिर ये तीन अब ये लास्ट में यहाँ पे भी दो का एक हो जाएगा दो का एक कर देंगे ये हमारे पत्ते की शेप जैसी बन के आता है ये डिज़ाइन बहुत प्यारा डिज़ाइन है फिर ये दो फंदे उल्टे जाली से पड़ा हुआ फंदा सीधे ही बनेंगे सारे और ये फंदा जाली डालते हुए सीधा कर देंगे यहाँ पे भी जाली डाल देंगे जहाँ पे, पे हम फंदा पलट रहे हैं उसके दोनों इस साइड पे भी पहले दो उल्टे बनाएंगे उसके बाद ही हम फंदा पलटेंगे और इस साइड भी ये फंदे सारे सीधे ही बनाने हैं फंदा पलट के दो पे एक कर दिया मैंने है और बैक में से जो फंदा जैसे दिख रहा है ये बीच के फंदे उल्टे बनाने हैं ये दो फंदे सीधे आएंगे ये वाले ये दोनों साइड से और बीच के फंदे सारे उल्टे ये जो उल्टे दिख रहे हैं उनको तो उल्टा ही बनाना है हर बार फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ ये देखिए ये ये फिर से दो फंदे मैंने बना लिए हैं और यहाँ पे सामने की तरफ से सिलाई डाल के दो घटा दिए फिर से हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे पहले फिर ये जाली से बड़े हुए फंदे सारे सीधे बनेंगे एक दो फिर ये दो फंदे सीधे बने फिर जाली डालेंगे हम और यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे फिर ये दो फंदे हमारे जाली से पड़े हुए फिर ये दो फंदे लास्ट में उल्टे बनेंगे यहाँ पे फिर फंदा सीधा करते हुए दो का एक कर देंगे और ये तीन बज गए हमारे अगली सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा ये नाइन्थ रो है हमारी ये देखिए जाली इसमें डाल दी हमने यहाँ पे और यहाँ पे दो फंदे उल्टे फिर ये फंदा पलटेंगे फर्स्ट शुरू में और लास्ट में हमने एक एक ही कटाना है बीच में दो दो कटाएँगे दोनों साइड से कटेंगे शुरू और लास्ट में एक एक ही साइड से कटेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल अक भी दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे देखिए ये इलेवंथ रो है हमारी इस डिजाइन की देखिए पहला फंदा उतार देंगे ये दो, दो इसमें दोनों में एक साथ सिलाई डाल के सीधा बना लेंगे अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बनाने हैं धागा पीछे ये जाली से बड़े हुए फंदे सीधे बनाने हैं एक दो तीन तीन बढ़ बना दिया एक चार बन जाएंगे पाँच छ सात आठ यहाँ पे हमारे टोटल नौ बन जाते हैं एक जाली से ये हमारी अब देखिए लास्ट है तो इसमें तीन फंदे बचे हैं तो यहाँ पे हम तीन का एक कर देंगे जब लास्ट एलेवंथ रो में हमारे तीन का एक हो जाएगा इसमें तीनों में एक साथ पीछे से सिलाई डालेंगे तीन का एक कर देंगे एक पत्ती हमारी इस तरह बन गई देखिए ये बहुत सुंदर डिजाइन है ये इतना सुंदर लग रहा है पत्ती के शेप में बन के आ गया है अब फिर से हमको वही करना है दो फंदे उल्टे बनाने हैं और जाली से बड़े हुए एक दो तीन तीन फंदे बना दिए धागा अपनी तरफ ये चार हो गया एक ये पाँच धागा अपना छः ये सात फिर ये आठ और ये नौ टोटल हमारे नौ फंदे जाली से बढ़ गए किन के बता देती हूँ देखिए दो चार छः आठ नौ नौ फंदे हमने यहाँ से घटाए और नौ फंदे हमारे जाली से बढ़ भी चुके हैं अब दो फंदे उल्टे बनाने हैं और लास्ट में ये फंदा सीधा करेंगे दो का एक कर लेंगे यहाँ पे भी और एक फंदा सीधा अब बैग से जो फंदा जैसे दिख रहा है हमको वैसे ही बनाना है इसमें कुछ भी नहीं करना है ये ट्वेल्थ हो देखिए बारह सिलाई एक पत्ती एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है इस तरह पत्ती सी बन के आती है इसमें देखिए बहुत प्यारा डिजाइन है अब आप एक बार आपको दोबारा हम कैसे डालेंगे ये बता देती हूँ इसमें थोड़ी चेंज है पहला फंदा उतारेंगे ये जो फंदा जैसे दिख रहा है ये दो उल्टे दिख रहे हैं तो मैं इसको उल्टा ही बनाऊँगी ये सीधा और ये नौ इसमें हमने जाली से जो नौ फंदे पड़ाए थे ये नौ फंदे हमारे सीधे बुनने हमने बीच में ये पूरे ही सीधे आएंगे ये देखिए दो चार छः आठ और ये नौ नौ फंदे यहाँ पे हो गए फिर दो फंदे हमने फिर से उल्टे डालने ये पत्ती हमारी इसमें शिफ्ट हो जाएगी इसके ऊपर आ जाएगी और जो ये जाली वाला डिजाइन था वो ये इस पत्ती के ऊपर चला जाएगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ये इधर शिफ्ट अब देखिए यहाँ से हमको ये ये दो फंदे तो उल्टे ही थे ये तीसरा वाला भी उल्टा हो जाएगा और ये दो इस साइड के तो टोटल तो हमारे बीच बीच में पांच फंदे उल्टे आए गए ये नौ नौ सीधे पांच उल्टे अब फिर से हमने वही सेम करना है नौ फंदे सीधे बुनने हैं ये जाली से पड़े हुए फंदे नौ हैं तो इनको भी तो इस बार हमारी इसमें दो पत्ती बनेंगे तो इसमें नौ फंदे मैंने बना दिए दो उल्टे दिख रहे हैं तो मैं इनको उल्टा ही बना लूँगी जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाना है और ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे ये तो दो फंदे सीधे जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाएंगे जो उल्टे दिख रहे हैं इनको उल्टा और ये पांच फंदे ये सीधे हो जाएंगे ये मैंने उल्टे ही बना लिए वाले और ये जो दिखे ये जो दो सीधे दिख रहे हैं इनको तो सीधा बनाना है ये हमने पांच कर दिए वहाँ से तो अब ये वाला फंदा भी सीधा ही होगा और ये भी दो सीधे तो पाँच फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे यहाँ पर और ये बाक़ी जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है अब मैं सीधी साइड में आ गई हूँ इसी तरह हमने चार सिलाई बना ले जैसे हमने फ़र्स्ट में किया था उसी तरह दो उल्टे दो सीधे इस तरह मैंने बना लिया है अब मैं आपको डिजाइन देखिए चार सिलाई बना ली मैंने सेम जैसे हो। दो उल्टी दो सीधी अब इसमें देखिए ये दो फंदे तो सीधे ही बनाने हैं थोड़ी चेंज है डिज़ाइन में यहाँ पे पहले हम जाली डाल लेंगे फिर ये एक और ये दो दो फंदे उल्टे फिर ये ये फंदा को सीधे इस तरह पलट पलट देंगे और ये दो का एक कर देंगे और फिर इसे यहाँ पे बाकी बीच के फंदे सारे सीधे बुनेंगे हम और ये दो फंदे रहेंगे तो इससे पहले हम सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे फिर से पांच फंदे दो फंदे सीधे बुनेंगे और बीच में हमने जाली डालनी जैसे हमने पहले किया था दो फंदे सीधे बुने और बीच में डबल जाली इसको लपेटते हुए जाली डाल देंगे ये फंदा सीधा किया यहाँ पे इनको भी इसी तरह बनाइए ये नौ फंदे फिर से हमको सीधे ही बनाने हैं और यहाँ पे इस तरह सिलाई डाल के फिर से हमने दो फंदे उल्टे बनाने हैं और फिर जाली डालनी है ये दो फंदे सीधे जाली डालनी है फिर और फिर ये फंदे सीधे ही बना लेने हमने लास्ट में बैग में जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है जो उल्टे दिख रहे हैं उसको उल्टा बनाना है जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा इसी तरह मैं बैग सिलाई बना लेती हूँ पूरी बना के फिर दिखाते हैं जो कि फिर से मैं सीधी सी सिलाई में आ गई हूँ अब हम दो फंदे सीधे ये जाली वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे और फिर यहाँ पर लपेटते हुए उल्टे बुनेंगे दो फंदे जाली भी डालनी है दो फंदे उल्टे ये फंदा को सीधा करना है दो का एक करना है फिर से हम बीच के फंदे सीधे बुनेंगे ये देखिए सामने की तरफ से सिलाई डाली दो का एक कर दिया धागा अपनी तरफ ये और ये दो फंदे उल्टे फिर से जाली वाला फंदा पहले सीधा बुनेंगे फिर बीच में डालनी है सेंटर पर हम जाली डालेंगे जिसमें हमने पहले डाली थी और फिर यहाँ पे भी जाली आएगी फिर दो फंदे उल्टे फिर ये फली को सीधा करेंगे और यहाँ पे दो का एक करेंगे फिर बीच के फंदे सारे सीधे बुनेंगे और यहाँ पे भी दो का एक करेंगे और फिर से दो फंडे उल्टे बुनेंगे फिर ये देखिए या इस तरह मैंने ये पूरी सिलाई बना ली है अब इसी तरह बनाते जाना है हमको जब तक यहाँ पे तीन फंदे नहीं आते तब तक मैं बना लेती हूँ सेम ही करना है बीच में हमको जाली डालनी है यहाँ पे एक एक फंदा दोनों साइड से कम करते जाना है इसी तरह मैं इसको बना लेती हूँ तीन फंदे रहने तक फिर दिखाती हूँ आपको देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना बना लिया है ये ये कि लास्ट डिजाइन लास्ट रह गया मेरी लास्ट सिलाई एक बार बता देती हूँ आपको ये दो फंदे सीधे और फिर ये जाली से बड़े हुए फंदे सारे ही सीधे आएंगे लास्ट में जाली डालूंगी और दो फंदे उल्टे ये फंदा सीधा करेंगे और तीनों में एक साथ सिलाई डाल देंगे और ये हमारा एक पत्ती बन गया देखिए कितना सुंदर लग रहा इस बार हमारी ये दो पत्ती बनी है बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है आप एक बार ज़रूर बना के देखना अब हमको फिर से वही सब करना है आगे दो फंदे पहले उल्टे बनाएंगे फिर ये जाली से बड़े हुए फंदे सारे सीधे होंगे फिर बीच के सेंटर में हमको जाली डालनी है दोनों साइड और भी जाली से बड़े हुए हमारी टोटल नौ फंदे बढ़ गए हों जाली से दो फंदे उल्टे फिर यहाँ पे भी तीन का एक करेंगे और फिर से दो फंदे उल्टे और फिर से जाली डालेंगे यहाँ पे इस तरह और सारे फंदे सीधे कर देंगे इस तरह हमारे ये दो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं दो बार मैंने डिजाइन बना दिया इसमें देखिए इसी तरह पत्ते की शेप बन के आती है बहुत ही प्यारा डिजाइन है आप एक बार जरूर बना के देखना फिर से हमको दोबारा से वही फर्स्ट सिलाई रिपीट करनी होगी फिर से वही डिजाइन फिर से वैसे ही बनाना होगा जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था ये ये वाला वैसे ही आपको यहाँ से शुरू करना है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे